No se va a pasar. Acá, Didi. A ver, Didi. ओ नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, दो तीन दिन बिल्कुल बर्फ़ पड़ने के बाद देखो पीछे भी बर्फ़ है, इस साइड को देखो उधर भी जीमा देवी में बर्फ़ पड़ी हुई है। और हम लोग आज जा रहे हैं, थोड़े से पेड़ बच गए थे लाने के लिए परसिवन के, तो वो लेने जा रहे हैं। और मेरे साथ है राहुल, आशु और अंकित गाड़िया की, नायशा भी है साथ में। राहुल है, ये राहुल थी है, दीपक नहीं थी, राहुल थी शायद। गाड़ी हमारी उधर लगी हुई है। हाँ जी भाई बोलो। नायशा जी, नायशा भी हमारे साथ दोस्तों। हम लोग ये भी ले जा रहे साथ बोरियाँ, तो गाड़ी गंदी हो जाएगी, पेड़ डालने गाड़ी में। चलो जी बैठो जी, बैठो बैठो। सिर्फ पेड़ लेने से पहले हम लोग गए मेरे कज़न के घर, और यहाँ पे ये मामी जी और दादी जी हैं जो कि आजकल सर्दियों के काम में लगे हुए हैं। एंड मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी उधर आने के लिए, बट वही है नायशा के साथ रोज़ डांस क्लास में ना बिजी होते थे और टाइम ही नहीं लगता था आने का, तो फाइनली आज हम लोग आ गए हैं। दे दो युग का, ये दे दो, बाय कह दो मामी को नायशा। युग बाय 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 बाय। ठीक है दादी जी, ठीक है मामी जी, ठीक है मामी जी, है ना, ठीक है जी। चलो भाई लेट हो जाएंगे हम। देखो आजकल छतों पे बर्फ आ रही है, जो गाड़ियां मनाली से आ रही हैं। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं पेड़ लेने, जहां हम लोग पीछे आए थे ना, जब मैंने बाकी पेड़ लाए थे, उधर पहुंचने वाले हैं। वाह, बारिश आने के बाद भाई साफ साफ लग रही चीजें है ना, नहीं तो कैसे कैसे धूल ही धूल दिख रही थी, कैसे लग रहे हैं बाकी जो जंगलों में आग लगी हुई थी ना, वो बुझ गई हो गई। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हमारे कुछ चीज का हो रहा था। ये देखो जी आगे को मनाली दिख रहा है, जब बर्फ आ रही है। हाँ जी, मनाली की वादियाँ, मनाली की वादियाँ। अंकित लेने जा रहे मनाली हमें, कितनी देर लगेगी? थोड़ी देर लगेगी, अगर जाम नहीं हो तो क्या दिक्कत है मनाली पहुँचने में? नहीं लगेगा यार। नायशा कब से रो रही थी, मेरे को बर्फ देखनी है, बर्फ देखनी है। कैसी है नायशा? नायशा मार फेंको, मार फेंको इसको, ठंडी है नायशा, ये हैंडू में ठंडा गिरी हुई है, किसी की गिरी है भाई ये की, क्या नहीं नहीं बर्फ गिरी होनी है, लाई होनी किसी ने, जा रख में फेंकनी है, फेंक भी सकते हो बाबा, नहीं आने रखते नायशा इसको, ये पानी की। अब नायशा ने इतनी सी रखी अपने पास, लो नायशा ठंडे हो जाएंगे, पर आप अगर यहाँ रखनी इस पर। ओ देखो जी उधर गांव में बर्फ है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं पेड़ लेने, वहाँ पे बर्फ है, शीला पोर्शन थोड़ा, यहाँ धूप नहीं लगी होनी तब बची हुई है। हाँ यहाँ ऊपर देखो, सामने वाले गांव में भी है। अच्छा तू, मैं तो कुल्लू आया था, ये बर्फ नहीं है वहाँ। ला दिए इधर पेड़। वो चॉकलेट नहीं लाए, चॉकलेट इसको। हाँ वो है उसमें चॉकलेट। हेलो ना मत्ते जी। तो ये देखो जी अब हो रहा है, यहाँ पे प्रबंध हो रहा है पैकिंग करने का, पेड़ कैसे डालने हैं, अभी घर में 100 पेड़ और है, क्या करें। वाह कुछ नहीं, प्रूनिंग करनी है, सभी कटनी है। गाड़ी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग पहुंच गए हैं मलोगी गांव में, और हम लोगों ने परसिमन के जो पेड़ है वो ले लिए हैं, गाड़ी में डाल दिए हैं। और अभी हम लोग यहाँ साथ में जाने वाले हैं, यहाँ पे कॉटेजेस हैं कुछ बने हुए, दो तीन ए स्टाइल के कॉटेजेस यहाँ बने हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। चलिए मैंने भी कॉटेज का काम स्टार्ट करा है, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा हम लोगों को किस तरह से रहती है चीज़ें। तो चलिए जी कॉटेज देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखो जी अंकित जी कॉटेज दिखाते हैं आज आपको। ये जो विलेज है ना, ये मनाली के साथ साथ में ही है, कुछ एक किलोमीटर पीछे है मनाली से, तो इस साइड को भी टूरिस्ट आते रहते हैं, तो कॉटेजेस वगैरह काफी बना रखे हैं लोगों ने यहाँ पे। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग, ये ना पड़े सड़क से दिख रहे थे, ये तो मैंने कहा कि अगर पॉसिबल तो देख लेते हैं, ये इनके ही है, इनके कजन है शायद। वाह देखो भाई, इनको लगाने में ये पहले ही लगाने पड़ते हैं, कि सबसे पहले तो गार्डनिंग का काम होना चाहिए शुरू, इसमें टाइम लग जाते 2-3 साल। वाह भाई अच्छे भाई, टाइम नहीं लगता इनको तैयार करने में, ठीक है भाई। एंटरटेनमेंट वाला डॉग। हाँ बढ़िया भाई यार, यहाँ पे देखो इनका सिस्टम, देखो टीचर्स है, ये देखो भाई बहुत ही सुपर, बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, देखो प्यारे प्यारे से। जाम जो हम लग जाए और आप लोग नहीं नहीं, नहीं अब नहीं जाना आगे ना, हाँ बस यहीं से निकलना, बर्फ मिल गई टच करने को इनको। बाय नाया,
हो सके तो मेरा मतलब आगे मत जाना। और कर ठंडे आ सो गाइस अब हम लोग चल पड़े हैं घर वापस। और ये हमें शाम को ना यहाँ पे अंकित कुछ शॉपिंग कर रहे थे तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर मिले हमें रामपुर से हैं और शादी उन्होंने यहाँ पे भुंतर में की है। तो जी हम लोग चल पड़े हैं अब। मैं किसको उठाऊं? चलो नाइशी और नानी को भी कर दो बेटे बाय। नहीं ठीक से है ना भी है ना भी आई आऊं वो इंटरव्यू जुकाम दो आई खाई है ना ठीक से मम्मी हो ओ ठीक से मम्मी ठीक ठीक बाय कर दो सबको ठीक है पापा जी चलो बोलो मिलते हैं ठीक है चलो अब आपसे मैं आ रही है कोट खाई मैं तो कोट खाई जा रहा हूँ ब्रो भाई ठीक है दुआ खा रहे इसको लगा जुकाम बहुत ही बीमार मैं भी आना चलो नानू को नहीं ले जाना नानू को नहीं ले जाना ये तो चल ही रहे हैं पापा ने उठाया सामान। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग चल पड़े हैं कुल्लू से वापस घर की तरफ और गाड़ी की हाल देखो पीछे कितने कितने सारे पेड़ भर रखे हैं मतलब बड़ी मुश्किल से पापा पीछे है कैसे है दिया चलना अच्छा बढ़ेगा नहीं तो ना पीछे पिकअप बनाई हुई है पीछे बैठे हैं जापानी के पूरे पेड़ देखो क्या हालत है बनाई हुई कितने सारे पेड़ पड़े और नायशा भाई आगे बैठना पड़ेगा पिंक पिंक और देखो नायशा की डॉल भी आज पिंक बनी हुई नायशा तो है बिल्कुल ही पिंक पर्स पिंक डॉल पिंक पूरी चले फिर तब लेट हो जाएगा चलो चलो डॉल के पापा हमारे से भुंतर तक आए थे और अब पापा उतर गए हैं यहां पे बाय बाय करें पापा ठीक है बाय नायशा मिलते हैं जी फिर तब ठीक है नेक्स्ट मैंने को बोला हमारे घर आना है ना अच्छा फिर है ना ठीक है अच्छा अच्छा ठीक है जी जा जाते तो यहाँ पे ना यार अब मतलब फोर लेन में ना ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बाप रे आई होप कि कोई इनकी कुछ हो ना क्या हो यार जब से ना ये फोर लेन बना हुआ है ना हमारे यहाँ पे तब से एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोग ना ओवर स्पीड में चलते हैं और गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है और मतलब बहुत बुरे बुरे एक्सीडेंट होते हैं। ये भी अभी जो देखा मैंने आई होप कि इसमें कुछ हुआ ना हो किसी को बट बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था यार था कोई नहीं वहाँ पे पुलिस वगैरह थी इंजर्ड तो कोई दिखा नहीं है। तो जब भी आप लोग यार गाड़ी चलाएं ना प्लीज इतनी स्पीड में चलाएं कि गाड़ी आपकी कंट्रोल हो जाए ओवर स्पीड में ना चलें। हम लोग मेरा माइक दिख रहा है यहाँ लगा हुआ माइक सर यहाँ पे ना हम लोग सुंदरनगर में महादेव आए थे आंटी को पूछने आंटी गिर गए थे अपने घर में बाहर बालकनी से गिर गए थे तो उनको चोटें आई हैं बाजू में कुल्ले की हड्डी फ्रैक्चर है तो फिर आंटी को पूछने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं। नानी को पूछा था आपने नानी को पूछो नानी को यह लगी है चोट देखो वहाँ पर उनकी बाजू में लगी चोट आंटी रखना ध्यान है बच्चा उसके बाद आना फिर तब गर्मी में तब आपने आराम से ध्यान रखना आंटी है ना आऊंगी मैं शायद ना मार्च तक शायद दोबारा आऊंगी मैं अंकल जी ठीक है आंटी का ध्यान रखना आपने पुलिस की टोपी मंगा देना पापा 1:30 बजे हम लोग दादू आ गए नमस्ते पापा चप्पल नमस्ते पापा हाँ जी पापा पहले भी दूसरे चप्पल मिली दूसरी रामसूत्र बेटे पकड़ दादू घंटू पकड़ो खुश होगी ना नाश हो गया पग हेलो छोटी पहुंच गए हैं जी घर एयरपोर्ट नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी सब गए नमस्ते जी नमस्ते जी लो जी माता जी वाला पैकेट रखा ये देखो यहाँ पर नवीश और निमाश
सीज हम लोग ना घर काफ़ी लेट पहुंचे थे क्योंकि सोलन होके हम लोग आए, कुफरी में बर्फ़ थी तो वाया सोलन आए, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हम लोगों को लगे, तो रात को 9:30 के करीब हम लोग घर पहुंचे थे। और ये अगले दिन सुबह की वीडियोस हैं और हमारे घर में अभी पिछले कल से लेकर के 5 दिन का पूजन है। और ये यहाँ पर पंडित जी टीका वगैरह लगा रहे हैं सब बच्चों को, सबको। और नायशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब ये ना घर में रोज़ बोलती थी कब घर जाना है, कब घर जाना है, मैंने पूजा में बैठना है, मैंने कन्या पूजन होना है तो मैंने कन्या बनना है। तो ये यहाँ पे मौली लग रही है नायशा को। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, अभी अब कोटखाई से आएंगे सारे के सारे ब्लॉग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।